हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंजू थेपरा, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एट डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस डेंटिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है बेबी टीथ एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, मतलब हमारे दूध के दांत और उनका क्या महत्व है। तो यही आज के टॉपिक में मैं आप सबको एक्सप्लेन करूंगी। एक छोटे बच्चे की स्माइल बिना दांतों के कितनी प्यारी लगती है, बट सोचिए अगर जब उसके मुंह में एक दो दांत आने शुरू होंगे तो वो स्माइल और भी प्यारी लगने लगेगी। एक बेबी के यूजुअली अगर हम देखें तो 20 मिल्क टीथ, मतलब 20 हमारे दूध के दांत एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ उसके मुंह की हड्डी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीने से 1 साल के टाइम गैप पर दिखना शुरू होते हैं और कम्प्लीटली 3 ईयर्स तक वो उसके मुंह के अंदर आ जाते हैं। हर बच्चे में कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, वो अपने आप में अलग हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है, जो हमारे सामने वाले ऊपर के और नीचे के दांत सबसे पहले मुंह के अंदर दिखना शुरू होते हैं। जब दांत फर्स्ट टाइम मुंह के अंदर निकलने लगता है तो कुछ बच्चों में वो एरिया जो गम्स वाला एरिया है वहाँ पर सूजन हो सकती है, वो हल्का टाइट हो सकता है और कुछ केसेस में बहुत ही पेनफुल भी हो सकता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम बच्चे को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अपना फिंगर, क्लीन फिंगर से हम लोग उस बच्चे के उस एरिया में जहाँ पर दांत उग रहा है, जो एरिया सूजा हुआ है, वहाँ पर हल्का सा मसाज कर सकते हैं, हल्की मालिश कर सकते हैं। मालिश के लिए वी कैन यूज़ हनी, हर किसी के घर में शहद होता है, तो हम हनी लेकर थोड़ा सा उस एरिया को मसाज कर सकते हैं। दूसरे कुछ तरीकों से हम लोग कुछ ठंडा और टाइट फ्रूट हम उस बच्चे को दे सकते हैं, जैसे हमने सेब का एक टुकड़ा दे दिया हो, या हम कोकोनट नारियल का कोई छोटा सा पीस दे सकते हैं, या मान लीजिए कुकुम्बर का एक स्लाइस हमने उसको दे दिया है, जिससे कि वो बच्चा उसे चबाता रहेगा और उसे रिलीफ मिलता रहेगा। हालांकि आजकल मार्केट्स में काफ़ी टीदिंग टॉयज भी हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों में सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ गया है, भूख ना लगना, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही है, लार कंटिन्यूस गिरे जा रही है, फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। यूजुअली हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि जब दूध का दांत फाइनली टूटना ही है तो उसका ध्यान रखना, उसका इलाज करवाना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो मिल्क टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट। इन्हीं दांतों से बच्चे को खाने पीने, बोलने व हंसने में हेल्प मिलती है। असल में आने वाले पक्के दांत जो इन दूध के दांतों के नीचे वाले हड्डी में बन रहे हैं, उनके लिए हमारे दूध के दांत एक सेफ जगह प्रोवाइड करके रखते हैं। मान लीजिए कोई दूध का दांत समय से पहले टूट गया है, तो उस जगह पर या उसके आसपास वाले एरियाज में जो पक्के दांत हैं वो उस खाली जगह पर ड्रिफ्ट होने के चांसेस रहते हैं, मतलब वो शिफ्ट हो सकते हैं उस एरिया में, और जो उस पर्टिकुलर एरिया में आने वाला दांत था वो अब आगे पीछे या दाएं बाएं कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, जिससे कि हमारे आने वाले दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं और फ्यूचर में हमारे और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मिल्क टीथ ना होने पर बच्चे आपस में एक दूसरे का मजाक बना सकते हैं, जिससे कि अफेक्टेड चाइल्ड जो होगा उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने दूध के दांतों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना कि हम अपने पक्के दांतों का ध्यान रखते हैं। मुंह में दांतों का आना स्टार्ट होते ही
अगर हम अपने डेंटिस्ट से मिल रहे हैं तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर हेल्दी बेबी चेकअप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर बेबीज टीथ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. इसके लिए हमें क्या करना होगा, शुरू से ही हमें एक हैबिट बनानी है कि हम अपने बेबी के दांतों को या फिर जो मसूड़े हैं उनको एक गीली कॉटन से क्लीन रख रहे हैं. बच्चा चाहे मदर्स फीड ले या बॉटल फीड ले, दोनों ही सिचुएशंस में हमें उसके गम्स को क्लीन रखना है. 3 साल से कम के बच्चों को हम अपनी सुपरविजन में ब्रशिंग करवाएंगे, अपनी देख रेख में हम उसकी ब्रश करवाएंगे. बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, मान लीजिए 3 से 6 साल का बच्चा है, तो उसको हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स बता सकते हैं. उसको ये बातें भी बता सकते हैं कि हमें टूथपेस्ट खानी नहीं है, कितना अमाउंट हमें टूथपेस्ट का ब्रश पर लगाकर और किस प्रकार करना है. तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट बातें थी जो हर पेरेंट को अपने बच्चों के दांतों के लिए समझनी चाहिए.